हम पढ़ेंगे अंतर्गणन की प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि, डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। यह रीति द्विपद प्रमेय पर आधारित है। इसका प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब दो शर्तें पूरी हो रही हो। पहला, जो स्वतंत्र चर x है वो बराबर अंतर हो उनके बीच में, जैसे 1990, 1991, 1993, 1995 नहीं, गैप बराबर हो 1961, 1971, 1981। इस बराबर अंतर वाले पदों में से ही किसी एक x मूल्य के आश्रित y मूल्य का अनुमान लगाना हो, जैसे 1961, 1971, 1991 और 2001 जनगणना वर्षों में से किसी नगर की यदि 61, 71 और 1991 की जनसंख्या ज्ञात हो और 81 की जनसंख्या अनुमानित करनी हो, तो हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो 71, 81, 91 और 1981 इनका जो अंतर है वो समान है। इसी प्रकार यदि हमें 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001 के जनसंख्या के आंकड़े ज्ञात है और 2001 का अनुमान लगाना है, तो बाह्य गणन करना होगा। अब इसकी प्रक्रिया ये है कि जो स्वतंत्र चर मूल्य हैं उनको हम x से व्यक्त करेंगे, x0, x1, x2 और आगे इसी प्रकार। आश्रित चर मूल्य हैं उनको हम y से व्यक्त करेंगे, y0, y1, y2 और आगे इसी प्रकार। अब y के जितने मूल्य ज्ञात हैं उनका जो प्रमुख अंतर है, लीडिंग डिफरेंस, उसको जीरो माना जाता है। यानी चार पद ज्ञात है तो हम कहेंगे फोर्थ लीडिंग डिफरेंस इज जीरो। ये जो संकेत है डेल्टा का, ये यहाँ लीडिंग डिफरेंस को दर्शा रहा है। लीडिंग डिफरेंस n इज इक्वल टू जीरो। अब इसका प्रसार कैसे किया जाए? ज्ञात मूल्यों की संख्या के अनुरूप प्रमुख अंतर को शून्य मानते हुए अब इसका एक सूत्र बनाया जा रहा है। जैसे ये द्विपद प्रमेय है, वैसे तो ये ऑप्शनल मैथमेटिक्स में 11th क्लास में आता है, भी आपको भी ध्यान रखना है। इसका हम प्रसार करेंगे, इस प्रसार को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले है वाई की पावर एन माइनस एन, ये जो गुणांक है वो महत्वपूर्ण होते हैं। पहला इसमें दो चीज़ें, एक तो निशान देखिए, प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे। पहला पद हमें पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, प्लस माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात है वाई की पावर देखिए निरंतर घटती जा रही है, वाई एन, वाई की पावर एन माइनस वन, उससे अगले पद में वाई की पावर एन माइनस टू और इसी प्रकार घटती जा रही है। अब ये जो गुणांक हैं, ये द्विपद गुणांक कहलाते हैं, इनकी गणना के तरीके हैं भी आपको आगे बताया जाएगा। तो पहला जो गुणांक है वो एन है, दूसरा ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है एन एन माइनस वन बटा एक इंटू दो, तीसरा एन एन माइनस वन एन माइनस थ्री एन माइनस टू अपॉन वन टू थ्री, चौथा क्या होगा नेक्स्ट एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन वन टू थ्री फोर, तो इसी प्रकार ये आगे चलेगा। ये चार वाला भी देख लीजिए ध्यान से, वाई की पावर चार माइनस एन की वैल्यू यहाँ देखिए चार है, तो वाई की पावर चार माइनस चार वाई की पावर तीन, ये वाई की पावर तीन है, फिर एन एन माइनस वन चार इंटू चार माइनस एक बटा एक इंटू दो, फिर पावर दो माइनस कर दी, फिर एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन वन टू थ्री, तीन पावर माइनस कर दी, और लास्ट में वाई की पावर फोर माइनस फोर, यानी वाई जीरो आते ही वो लास्ट पद होगा। अब इसको एक्चुअली पावर नहीं करके सब स्क्रिप्ट बना देते हैं, अधोलिखित संकेत वाई फोर वाई थ्री वाई टू वाई वन और वाई जीरो, ये जो है आपका चार प्रमुख अंतर का प्रसार ज्ञात हो गया। द्विपद प्रसार थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इसको तैयार करना बड़ा आसान है। यदि मान लीजिए आपको पांच पदों तक ज्ञात करना है तो किस प्रकार होगा, देखो वाई फाइव वाई फोर वाई थ्री वाई टू वाई वन वाई जीरो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, निशान भी तैयार हो गया। अब जो गुणांक है वो बड़ा आसान है तैयार करना, वैसे तो आपको ऊपर बताया जा चुका है, पहला गुणांक एन होता है, दूसरा एन एन माइनस वन बटे एक इंटू दो, और इसका एक तरीका और अच्छा सा बताया है, पिछले वाई का गुणांक इंटू पिछले वाई का अधो संकेत बटे पिछले वाई की क्रम संख्या, इस विधि से भी आप इसको निकाल सकते हैं। पिछले वाई का मतलब, अब जैसे आप दूसरे पद की गणना कर रहे हैं तो पहले पद का वाई गुणांक एक है, सब स्क्रिप्ट ऑफ प्रीवियस वाई पाँच है, पीछे वाले से आगे वाले की गणना हो रही है और बटे में यह पिछले वाई क्रम की स्थिति एक, फिर नेक्स्ट में पाँच इंटू चार, वो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा आप उसको एन एन माइनस वन से पढ़ें, एक कम कर लिया बटा एक इंटू दो, फिर एन एन माइनस वन एन माइनस टू बटा एक दो तीन,
अब इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन और भी है, एक पास्कल त्रिभुज है, उससे भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले वन वन से त्रिभुज शुरू हुआ, फिर अब इनको जोड़ना है, वन वन बीच में टू लिख दिया, और एक एक पद जो है पीछे की ओर बढ़ाते जाए, एक पद आगे की ओर बढ़ाते जाए और इनको जोड़ करते जाइए। जैसे एन की वैल्यू तीन है तो पहला वन आ गया, वन और टू थ्री हो गया, टू और वन थ्री हो गया, फिर लास्ट में वन है, फर्स्ट और लास्ट में हमेशा वन होगा। इन गुणांकों से भी आप इसको विस्तार को तैयार कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। अब जैसे मान लीजिए y माइनस वन का विस्तार करना है तो वो इस प्रकार होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान रखनी है, यहाँ घात दो है तो पद तीन आएंगे, घात तीन है तो पद चार आएंगे, घात चार है तो पद पाँच आएंगे, घात पाँच है तो पद छः आएंगे, यानी जितनी घात है उससे एक अधिक पद आ रहे हैं, आप काउंट करें। दूसरी बात, निशान के बारे में आपको बता दिया, साइन जो है वो प्लस माइनस चलेगा, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। सीक्वेंस देख लीजिए, वाई टू वाई वन वाई जीरो घटते क्रम में है, वाई थ्री वाई टू वाई वन वाई जीरो सबके एंड में वाई जीरो है, सबके फर्स्ट में जितनी घात है उतनी वैल्यू है, वाई फोर वाई वाई थ्री वाई टू वाई वन वाई जीरो, और लास्ट जो छः घात का है वाई सिक्स वाई फाइव वाई फोर वाई थ्री वाई टू वाई वन एंड वाई जीरो। अब जो गुणांक हैं वो आपको बता दिया है, जैसे अभी छः घात के लिए गुणांक तैयार करना है तो पहला गुणांक लास्ट वाला तो एक होगा, यहाँ होगा एन, तो एन की वैल्यू छः। अब ये पंद्रह कैसे आए, छः इंटू पाँच बटे एक इंटू दो, हल कर लीजिए पंद्रह आएंगे। फिर बीस कैसे आए, छः गुणा पाँच गुणा चार घटते क्रम में बटा एक इंटू दो इंटू तीन। फिर इसी प्रकार छः गुणा पाँच गुणा चार गुणा तीन, एक दो तीन चार। तो इस तरह से जब आप हल करेंगे तो ये विस्तार ज्ञात हो जाएंगे, इनको बनाना भी सीखा जा सकता है। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वो है अज्ञात मूल्य निकालना है। 2005 एक्स की वैल्यू 2006 2007 2008 अंतर बराबर है, पाँच की वैल्यू दी हुई है, छः की निकालनी है, तीन सात की दी हुई है, आठ की दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले आप एक्स को जो समय है उसमें लिखेंगे, सबसे पहले पद को एक्स जीरो, फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फिर वाई का अंकन करेंगे मूल्य को वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री। अब वर्षों के अंतर समान है, इन्हीं में से एक का अंतर्गणन करना है तो द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञात मूल्य कितने हैं, तीन। तीसरा प्रमुख अंतर, थर्ड लीडिंग डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा की घात तीन जीरो बराबर जीरो। अब इसका प्रसार कैसे करेंगे, वाई थ्री वाई टू वाई वन वाई जीरो चार पद आएंगे। गुणांक कैसे लेंगे, आपको पूर्व में बता दिया है, ऊपर लिखे हुए भी हैं, पहला गुणांक तीन होगा, दूसरा होगा एन एन माइनस वन बटा एक इंटू दो, तीन इंटू दो बटा एक इंटू दो, फिर तीन आएगा और चौथा जो है वापस एक आएगा। फर्स्ट और लास्ट गुणांक हमेशा एक होता है। अब सारे मान रख दिए जाएंगे, वाई थ्री की वैल्यू रख दी, वाई टू की वैल्यू रख दी, वाई वन की रख दी, वाई जीरो की, वाई वन ज्ञात करना है, सभी मान रखे और वाई वन ज्ञात कर लिया, इसकी वैल्यू 50 आ रही है। तो ये आपका जो है अंतर्गणन का एक उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा, अंतर्गणन का कोई सूत्र काम में लेते हुए उचित 30 से 34 वर्ष की जो माताएं हैं उससे उत्पन्न शिशुओं की औसत संख्या का अनुमान लगाना है। मदर की एज है 15 से 19, जन्म बच्चों की औसत संख्या 0.7, 20 से 24 2.1, 25 से 29 3.1, 30 से 34 ज्ञात करना है, 33 से 39 5.7, 40 से 44 इसमें भी समान वर्गांतर है, इन्हीं में से एक का मूल्य निकालना है, अतः द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग किया जा सकेगा। ध्यान से देखिए, पहले अंकन किया x का, x जीरो फिर x वन फिर x टू फिर x थ्री x फोर x फाइव, फिर y जीरो y वन y टू y थ्री, इस बार ज्ञात क्या करना है, y थ्री। ज्ञात मूल्य कितने हैं, पाँच, तो पाँचवा प्रमुख अंतर जीरो होगा, y फाइव माइनस फाइव वाई फोर प्लस टेन वाई थ्री माइनस, ये किस प्रकार ज्ञात होंगे, वैसे तो ऊपर सबके सामूहिक लिखे हुए हैं, बनाने का तरीका भी आपको बताया जा चुका है। और ख़ास बात गुणांक में एक आप देखिएगा, आगे से भी गुणांक और पीछे से बराबर होते हैं, जैसे एक माइनस पाँच दस, पीछे से भी देखिए एक पाँच दस से आगे से पीछे से भी एक पाँच दस, ये भी इसकी एक अद्भुत विशेषता है। सभी मान रख दिए जा रहे हैं, वाई थ्री ज्ञात करना है, तो समीकरण बन गया है
उस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो y3 की वैल्यू आ रही है 4.39, यानी 30 से 34 वर्ग की जो माताएं हैं उनके बच्चों का औसत है 4.349 या 4.4। धन्यवाद।